हमारे पंचायत का सचिव मीटिंग में नहीं आ रहा है फिर? उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल के देखा दादा, लेकिन सुनता च नहीं है। उसको बोलो जाके। और तू रे सरपंच, तेरे गांव में रोड कैसे बना रहे? कौन अनुमति दिया तेरे को? अब कैसे करूंगा, अभी पुलिस वाला बना रहता था, मैं क्या कर सकता हूँ? रोड से विकास होगा क्या? तुम ही लोग मरे जा रहे हो। अभी इधर उधर से भी हम लोग प्रेशर पड़ता ही है ना दादा, कैसे करें? और तू अब से मेरी एरिया कमेटी में मिलिशिया का काम करेगा। तेरी बहन को देख, दलम में काम कर रही है। आज से मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करना। जल जंगल जमीन के लिए तुम लोग नहीं लड़ोगे तो और कौन लड़ेगा? और तुम लोगों के यहां से चावल क्यों नहीं आ रहा है रे? जंगलबाजी के लिए गए थे सर। दबाओ यहां से। पूरा लोग इस नक्सली कैंप को चेक करो। सर यहां कुछ मिला है?
तुम्हारे बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया है। पुलिस को संपर्क करने का तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया हुआ है। क्या तुम सरेंडर करना चाहती हो? जी सर। ठीक है, नई जिंदगी के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य धारा से जुड़कर देश और समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करोगी, ऐसी आशा करता हूँ। दीदी जल्दी चलो, देखो ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत तत्काल अनुग्रह राशि के साथ साथ मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संसाधन एवं सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। मेरी सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मसमर्पण करें, घर वापस आएं, मुख्य धारा से जुड़ें और अपना जीवन संवारें।